फ्रेंड्स, मैं सारिका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल इजी लाइफ विद सारिका में। मेरी आज की वीडियो नवरात्रि स्पेशल वीडियो है। व्रत है, हम सभी मीठा तो बनाते ही हैं, लेकिन जब भी हम मीठा बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मखाने की खीर ही आती है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी एक स्पेशल रेसिपी जो बनेगी पनीर से। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको हम पनीर की खीर, पनीर पायसम या लच्छा रबड़ी भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसको हम कुक रबड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये मुश्किल से 5 या 6 मिनट में बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पनीर की खीर बनाने के लिए हमने 0.5 लीटर दूध लिया है। दूध आप अगर पैकेट का ले रहे हैं तो फुल क्रीम ही लें, और यदि घर का ले रहे हैं तो उससे मलाई ना उतारें, क्योंकि पतले दूध से खीर अच्छी नहीं बनती। 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर आपका ताज़ा ही होना चाहिए। 150 ग्राम चीनी ली है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी कम कर दें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा कर दें। और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए। ये मैं हमेशा काट कर अपने फ्रिज में रखती हूँ। ड्राई फ्रूट स्टोर करने का तरीका मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और 2 चम्मच के करीब किशमिश लिए हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, जिससे हमारा दूध चारों तरफ ना चिपके, और इसको अच्छे से चला लेंगे। इससे किनारों पर बिल्कुल भी दूध नहीं चिपकता। अब हम इसमें अपना दूध गर्म करने के लिए रख देंगे। तब तक ये दूध उबलेगा, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। एक ग्रेटर की मदद से हम पनीर को घिस लेंगे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं घिसना है, इसको थोड़ा बारीक ही तरफ से घिसें, क्योंकि ये दूध में जाकर फूल जाता है और इसके लच्छे बहुत मोटे मोटे बन जाते हैं। ये देखिए, हमने सारा पनीर घिस लिया है और कितना बारीक बारीक लच्छा बना है इसका। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और अपने दूध की तरफ चलेंगे। ये देखिए, हमारा दूध उबल चुका है। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और इसको उबलने के लिए 1 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। पनीर हमें अभी इसमें नहीं डालना है। दूध को थोड़ा कढ़ाने के बाद हमें इसमें पनीर डालना है। ये देखिए, हमारा दूध कढ़ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें अपना पनीर डाल देंगे। पनीर डालने के बाद आप इसे ऐसे न छोड़ें, लगातार चलाते रहें। कितनी बार ये पनीर नीचे आ जाता है और खीर लग जाती है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये खीर आप व्रत के अलावा बच्चों की पार्टी में भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें 2 इलायची का मुंह खोलकर उसे डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्ची इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी खीर करीब करीब तैयार हो गई है और इसमें किनारे पर भी कितनी मलाई आ गई है। अब हम इस मलाई को उतार कर खीर में ही मिला लेंगे, ताकि हमारी खीर गाढ़ी हो जाए और उसमें बढ़िया सा लच्छा बने। अब हम इसको लगातार चलाएंगे और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हमें इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तली में लग जाती है। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश हमें पहले नहीं डालनी है, नहीं तो ये फट जाती है और इनका टेस्ट बढ़िया नहीं आता। अब हम इसको 2-3 बार अच्छे से चलाएंगे और आँच से नीचे उतार लेंगे। चलिए, अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। आप इसको कांच के बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कुल्हड़ में सर्व करने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए, कितनी बढ़िया लच्छा रबड़ी बनी है। आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ठंडा करके खाते हैं तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। आप इसे बिना व्रत के बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अब हम इसमें अपने कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से डालें, क्योंकि जब वो बीच में मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बनी है ना बढ़िया लच्छा रबड़ी। आप इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडा खाने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए, कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसे देख कर तो मुँह में पानी आ रहा है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करें। ऐसे ही और रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नई रेसिपी साथ एक नई वीडियो में। बाय।